जब तक ये टैग माई सिटी माई प्राइड का ये टैग है और फेसबुक पे नेताओं के जन्मदिन मनाने की जब तक सुविधा उपलब्ध है तब तक ये रुड़की ऐसे ही ठीक ठाक चलता रहेगा माई सिटी माई प्राइड के साथ। और कितने जनप्रतिनिधि हैं रुड़की में, उनको उनकी संख्या को आप देखिए, 40 वार्डों में 40 पार्षद हैं, उसके बाद एक मेयर हैं, उसके बाद एक विधायक हैं, उसके बाद वो नेता भी हैं जो चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, और उसके बाद वो लोग भी हैं जो इनके प्रतिनिधि हैं सबके सबके। तो ठीक ठाक मान लीजिए तो 50 लोग हैं जिनको रुड़की की जिम्मेदारी है, जो अपने आप को नेता कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी यही स्थिति रुड़की की बनी हुई है। इस ADP के प्रोजेक्ट को देखकर आप स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये गड्ढा दिखाइए, माई सिटी माई प्राइड का, माई प्राइड का गड्ढा, जो लोग टैग लगाते हैं माई सिटी माई प्राइड, ये गड्ढा देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क, मैं आपके साथ हेमंत, और इस समय हम लोग हैं गणेशपुर में, रुड़की के गणेशपुर में। और यहाँ पर जो ADB का प्रोजेक्ट को अगर आप याद करें, पहले जो एकाएक ज़मीन धंसना शुरू हो गई थी, मकान टूटने एकाएक शुरू हो गए थे, वैसे ही कुछ स्थिति फिर से यहाँ पर पैदा हो गई। ये देखिए, ये ADB का ही प्रोजेक्ट है, गणेशपुर में ही है और उसी रोड से लगा हुआ ये प्रोजेक्ट है, इसकी स्थिति भी वैसी की वैसी हो गई है। ये आप देखिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा गड्ढा हो गया है, एक तरफ पेयजल की लाइन है और एक तरफ ये ADB का पूरा प्रोजेक्ट है, और उसके बाद ये ज़मीन धंसना शुरू हो गई थी। लेकिन अब पिछली बारी को याद करें, जब रात में वो घटना हुई थी तो सारे के सारे जनप्रतिनिधि एक के बाद एक कूदे, चाहे वो विधायक हो, मेयर हो, चाहे वो अधिकारी हो, SDM हो, चाहे वो ADB के अधिकारी हो, सारे के सारे रात को ही कूदे। लेकिन इसको लॉजिकली थोड़ा समझना होगा, जिनको जिम्मेदारी है रुड़की की, उन्होंने कितनी भूमिका इसमें निभाई है, और कितने जनप्रतिनिधि हैं रुड़की में, उनको उनकी संख्या को आप देखिए, 40 वार्डों में 40 पार्षद हैं, उसके बाद एक मेयर हैं, उसके बाद एक विधायक हैं, उसके बाद वो नेता भी हैं जो चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, और उसके बाद वो लोग भी हैं जो इनके प्रतिनिधि हैं सबके सबके। तो ठीक ठाक मान लीजिए तो 50 लोग हैं जिनको रुड़की की जिम्मेदारी है, जो अपने आप को नेता कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी यही स्थिति रुड़की की बनी हुई है। इस ADP के प्रोजेक्ट को देखकर आप स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा इस ADP के प्रोजेक्ट में लगा होगा, फिर ये बेकार हुआ, और अभी फिर से आपके जो टैक्स का पैसा है वो इस ADB के प्रोजेक्ट में लगेगा। समझने वाली बात है, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी अगर आप ये राय समझें, जब तक ये टैग माई सिटी माई प्राइड का ये टैग है और फेसबुक पे नेताओं के जन्मदिन मनाने की जब तक सुविधा उपलब्ध है तब तक ये रुड़की ऐसे ही ठीक ठाक चलता रहेगा माई सिटी माई प्राइड के साथ। लेकिन ये गड्ढे देखकर शायद प्राइड करने वाली कोई बात शायद नहीं लगती मुझे कि होगी। ये आप स्थिति को दिखाइए जैसा आप आगे आकर, कि कैसे गड्ढा पूरी रोड में अभी हो चुका है और ये मिस्त्री लोग सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये अकाउंटेबल नहीं है कुछ कहने के लिए। लेकिन हम लोग आज किसी से बातचीत नहीं करेंगे, आपको ये गड्ढा खुद ही दिखाएंगे कि क्या स्थिति इसकी है। यहाँ तक आइए, ये गड्ढा दिखाइए, माई सिटी माई प्राइड का, माई प्राइड का गड्ढा, जो लोग टैग लगाते हैं माई सिटी माई प्राइड, ये गड्ढा देखिए, उनको शायद इस गड्ढे को देखकर प्राइड हो इस शहर पर कि क्या स्थिति अभी है। और इस रोड की आप हालत देखिए, पूरी की पूरी ये दब गई है, और फिर से इसमें पैसे खर्च होंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने में। ये सवाल जनप्रतिनिधियों से है, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है रुड़की वालों की, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है जनता की, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है रुड़की की जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चुनाव में। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव से पहले सबका रिपोर्ट कार्ड इस बार चेक होगा और जनता उस पर मोहर लगाएगी, सबका रिपोर्ट कार्ड चेक होगा। जितनी भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं ADB के प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या फिर अन्य घटनाएं हो, हम फिर से गणेशपुर में रिपोर्ट करेंगे, गणेशपुर में फिर से आएंगे, जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है बार बार आएंगे, देखने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।